हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लाइन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्स सो लेट्स बिगिन आवर सेशन आवर फर्स्ट टॉपिक इज आरबीआई अप्रूव स्मॉल ऑफलाइन ई पेमेंट आरबीआई ने अप्रूव कर दिया स्मॉल ऑफलाइन ई पेमेंट को हम समझेंगे इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कम आउट विद द फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड अ मूव दैट वुड डिजिटल पेमेंट इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो कि फैसिलिटेट करेगा स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट को ऑफलाइन मोड पे ये एक मूव है जो कि मदद करेगा प्रमोट करने में डिजिटल पेमेंट को सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में व्हाट आर ऑफलाइन ई पेमेंट ये ऑफलाइन ई पेमेंट जो है ये है क्या ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी जो ऑफलाइन ई पेमेंट है इसके लिए आवश्यकता नहीं होगी इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी की सच पेमेंट कैन बी कैरिड आउट फेस टू फेस प्रोक्सिमिटी मोड यूजिंग एनी चैनल और इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्ड वॉलेट एंड मोबाइल डिवाइसेज इस टाइप का पेमेंट जो है उसको कैरी किया जा सकेगा फेस टू फेस प्रोक्सीमिटी मोड पर यूज करके किसी भी चैनल और इंस्ट्रूमेंट को जैसे कि कार्ड वॉलेट और मोबाइल डिवाइसेज की मदद से सच ट्रांजेक्शन वुड नॉट रिक्वायर एन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन और इस टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए आवश्यकता नहीं होगी एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की सिंस द ट्रांजेक्शन आर ऑफलाइन अलर्ट बाय वे ऑफ एसएमएस एंड और ई मेल विल बी रिसीव बाई द कस्टमर अफ्टर ए टाइम लाइक क्योंकि यह ट्रांजेक्शन ऑफलाइन होगा इसलिए जो अलर्ट है एसएमएस के माध्यम से व ईमेल के माध्यम से वो रिसीव करेंगे कस्टमर टाइम लैग के बाद ज एट ऑफ रूपीज टू हंड्रेड पर ट्रांजेक्शन एंड देन ओवरऑल लिमिट ऑफ रूपीज टू थाउजेंड एंटिल द बैलेंस इन दी अकाउंट इथ रिप्लेनिस और एक लिमिट होगा रूपीज टू हंड्रेड का पर ट्रांजेक्शन का और ओवरऑल लिमिट होगा रूपीज टू थाउजेंड का जब तक की जो बैलेंस है अकाउंट का रिप्लेनिस नहीं हो जाता है इसको इसलिए ट्रांजेक्शन लिमिट को इतना कम रखा गया है ताकि जो फ्रॉड होते हैं ऑफलाइन मोड में अगर ई पेमेंट किया जा रहा है तो फ्रॉड कम से कम हो सके क्योंकि जो फ्रॉडर्स है वो कोई ना कोई न्यू इनिशियेटिव खोल लेंगे फ्रॉड करने का तो उसको टैकल करने के लिए ये इनिशियेटिव पहले ही ले लिया गया है नेक्स्ट टॉपिक हमारा द ट्रीटी ऑन दी नॉन पॉलिफ्रेशन ऑफ न्यूक्लियर विपन एनपीटी इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कंसीडर कर रखा है जो ट्रीटी है नॉन पॉलिफ्रेशन ऑफ न्यूक्लियर विपन का इसके बारे में हम जानेंगे परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर चाइना फ्रांस रशिया यूके यूएस तो कौन कौन परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है ये इंपॉर्टेंट है उन्होंने प्लेस किया कि वो प्रिवेंट करेंगे एटॉमिक वेपन को स्प्रेड करने से और अवॉइड करेंगे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को किस किसने प्लेस किया है तो जो परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है चाइना फ्रांस रशिया यूके यूएस ने लेटेस्ट इश्यू क्या है टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट है कोल्ड वॉर ओवर ट्रो बिल्डअप को क्लोज टू द यूक्रेन बॉर्डर तो टेंशन था रशिया यूनाइटेड स्टेट के बीच में वो एकदम हाई पे पहुंच गया है रेयरली ऐसा हुआ था कोल्ड वॉर के बाद जब ट्रुप जो है जिसको बिल्ड किया गया था मॉस्को के द्वारा क्लोज यूक्रेन के बॉर्डर में इस कारण ये जो टेंशन इतना ज्यादा हाई हो गया डेथ एट रेस्ट फ्यर दैट दी क्रेमलिन इज प्लानिंग ए न्यू अटैक ऑन इट प्रो नेवर और ये रेस कर रहा है एक नया फियर को कि जो क्रेमलिन है वो प्लान कर रहा है कि अटैक करेगा ये इसके प्रो वेस्टर्न द राइज ऑफ चाइना मीन वाइल हैज ऑल्सो रेज कंसर्न दैट टेंशन विथ वॉशिंग्टन कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट नोटेबली ओवर द आईलैंड ऑफ ताइवान और जो राइज हो रहा है चाइना का ये रेस कर रहा है कॉन्सर्न को कि जो टेंशन है वॉशिंगटन के साथ ये इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट के कारण नोटेबली हो सकता है आईलैंड ऑफ ताइवान पे कॉन्फ्लिक्ट हो

ग्रैंड बार्गेन बिटवीन दी फाइव न्यूक्लियर विपन स्टेट एंड द नन न्यूक्लियर विपन स्टेट जो एनपीटी है नन प्रोलिफ्रेशन ये एक मल्टीलेटरल ट्रिटी है जिसका मकसद है लिमिट करना स्प्रेड को न्यूक्लियर विपन का जिसमें तीन एलिमेंट इंक्लूडे है क्या क्या नन प्रोलिफ्रेशन दिशारेंट और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ये जो एलिमेंट है ये कंस्टीट्यूट करते हैं ग्रैंड बार ग्रैन को जो पास न्यूक्लियर विपन स्टेट है उनके बीच में और नॉन न्यूक्लियर स्टेट के बीच में ट्रीटी साइन इन इन 1968 एंड इंटर फोर्स 1970 इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1968 ये फोर्स में था 1970 पे इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है स्टेट विदाउट न्यूक्लियर विपन विल नॉट एक्वायर डे स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर विपन नहीं है वो एक्वायर नहीं करेंगे इसको स्टेट विद न्यूक्लियर विपन विल परस्यू डि स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर विपन है वो परस्यू करेंगे को ऑल स्टेट कैन एक्सेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पज अंडर सेव गार्ड और सारे स्टेट है वो एक्सेस कर सकेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पज के लिए लेकिन कुछ सेव गार्ड के साथ की प्रोविजन क्या है रिटेटी डिफाइंड न्यूक्लियर विपन स्टेट एनडब्ल्यूएस एज डोज डेट हेड मैन्यूफेक्चर एंड डिटोनेटेड एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रायर टू फर्स्ट जनवरी नाइन सिक्सटी सेवन ऑल अदर स्टेट आर देर फोर कंसिडर नन न्यूक्लियर स्टेट ये जो ट्रीटी है ये डिफाइन करता है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया हो या डिटोनेट किया हो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस को प्रायर फर्ट जनवरी 1967 के वो होंगे बाकी जो सारे स्टेट है उनको कंसिडर किया जाएगा कि वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है द फाइव न्यूक्लियर वेपन स्टेट आर चाइना फ्रांस रशिया यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट तो पांच न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो आपका चाइना फ्रांस रशिया यूके और यूनाइटेड स्टेट है ये जो ट्रीटी है ये नहीं अफेक्ट करता है जो राइट है स्टेट पार्टी का डेवलप करने का प्रोड्यूस करने का यूज करने का न्यूक्लियर एनर्जी को पीस के लिए उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रोल क्या है इसमें स्टेट का न्यूक्लियर विपन स्टेट आर नॉट टू ट्रांसफर टू एनी रेसिपेंट वो एवर न्यूक्लियर विपन एंड नॉट टू एसिस्ट इनकरेज और इंड्यूज एनी नॉन न्यूक्लियर विपन स्टेट टू मैन्युफैक्चर और अदरवाइज एक्वायर न्यूक्लियर विपन स्टेट है वो नहीं ट्रांसफर करना चाहते है कोई भी रेसिपेंट को चाहे कोई भी न्यूक्लियर विपन हो ना ही असिस्ट करना चाहते हैं वह इंकरेज करना चाहते हैं व इंड्यूज करना चाहते हैं किसी भी नॉन न्यूक्लियर विपन स्टेट को कि वो मैन्युफैक्चर करे व एक्वायर करे उनको

ये एक इश्यू है द एनपीटी लार्जली सीन एज ए कोल्ड War इरा इंस्ट्रूमेंट दैट एज फेल टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग ए पाथवे टू a ए क्रेडिबल process। प्रोसेस जो एनपीटी है वो लार्जली देखा जा रहा है कि ये एक कोल्ड वार इरा का इंस्ट्रूमेंट है जो कि फेल कर गया है फुलफिल कर पाने में इसके ऑब्जेक्टिविटी को क्रिएट करने में एक पाथवे को क्रेडिबल डिसमेंट प्रोसेस का सिस्टम जो है न्यूक्लियर हाफ एंड हैव नॉट का इसमें नन न्यूक्लियर विपन स्टेट जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं इस ट्रीटी को क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी उनके हिसाब से क्योंकि ये फोकस करा है प्रिवेंट करने में सिर्फ को जबकि कोई लिमिट नहीं है वर्टिकल प्रोलिफ्रेशन के लिए ये क्या है जिसके पास है जिसके पास नहीं है उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही रहा है नन न्यूक्लियर विपन स्टेट जो है वो फील करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन है पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेक्नोलॉजी का ये सिर्फ एक्साइटेड है ये भी एक इश्यू है इंडिया स्टैंड ऑन एनपीटी इंडिया क्या स्टैंड रखता है एनपीटी को लेकर इंडिया इज वन ऑफ दी ओनली फाइव कंट्रीज दैट आइडल दिज नॉट साइन दी एनपीटी और साइन बै विद्रो दस बिकमिंग पार्ट ऑफ अ लिस्ट दैट इंक्लूड पाकिस्तान इजराइल नॉर्थ कोरिया साउथ सुडान इंडिया जो है वो वन ऑफ फाइव कंट्रीज में से एक है जिसने चाहे तो नहीं साइन किया एनपीटी को या साइन किया लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया और वो इस लिस्ट का पार्ट है जिसमें पाकिस्तान इजराइल नॉर्थ कोरिया साउथ सुडान आते हैं इंडिया हमेशा से कंसिडर करता है कि जो तो एनपीटी है वो डिस्क्रिमिनेट्री है और इस कारण वो रिफ्यूज करता है इसको साइन करने से इंडिया अपोज द इंटरनेशनल ट्रिटीजन एप्लीकेबल टू दी नन न्यूक्लियर पावर एंड लेजिटीमाइज दी मोनोपोली ऑफ दाइव न्यूक्लियर वीपन पावर इंडिया अपोज करता है जो इंटरनेशनल ट्रिटी है जिसका मकसद है नन प्रोलिफ्यशन को लेकर क्यूंकि तो ये सिलेक्टिवली अपीकेबल है सिर्फ नन न्यूक्लियर पावर के ऊपर और ये लेजीटिमाइज कर रहा है जो मोनोपोली और फाइव न्यूक्लियर वीपन पावर का उनका इस कारण इंडिया अपोज करता है इस ट्रिटी को नेक्स्ट टॉपिक हमारा सार्क तो जानेंगे हम सार्क के बारे में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड और जियो पोलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट इन साउथ एशिया तो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और, और जियो पोलिटिकल यूनियन है स्टेट का साउथ एशिया पे इसके मेंबर्स कंट्री कौन कौन है ये काफी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका जो अफगानिस्तान है बांग्लादेश है भूटान है इंडिया है मालदीव है नेपाल है पाकिस्तान है श्रीलंका है ये सारे कंट्रीज इनके हैं। इट वॉज इस्टैब्लिश इन ढाका और एट दिसंबर नाइनटीन एटी सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन काठमांडू नेपाल इसको एस्टैब्लिश किया गया था ढाका पे एट दिसंबर नाइनटीन को इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो लोकेटेड है आपका काठमांडू नेपाल पे दी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट दी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन ये जो ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन का इट मेंटेन परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन एट यूनाइटेड नेशन एज एन ऑब्जर्वर एंड एज डेवलप लिंक विथ मल्टीलेटरल एंटाइटिस इन्क्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन यो है मेंटेन करता है परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन को यूनाइटेड नेशन पे एक ऑब्जर्वर के तौर पर साथ साथ ये डेवलप करता है लिंक को मल्टी लेटरल के साथ जिसमें कि यूरोपियन यूनियन भी है फॉर्मेशन कैसे हुआ था सार्क का तो जब यूएसएसआर ने इन्वेट किया था अफगानिस्तान को 1979 पे तो जो सिक्योरिटी सिचुएशन था साउथ एशिया का वो रेपिडली डिटोरिएट हो रहा था इसको देखते हुए जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इनिशियल सेवन मेंबर ने मीट किया कोलंबो पे 1981 पे और मीटिंग के बाद बांग्लादेश ने प्रपोज किया कि फॉर्म किया जाए एक रीजनल एसोसिएशन को जो कि मीट करेगा डिस्कस करने के लिए इस टाइप के मैटर को सिक्योरिटी और ट्रेड का वाइल मोस्ट ऑफ द कंट्री प्रेजेंट वेयर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर स्केप्टिकल ज्यादातर कंट्री इसके फेवर में थे इस प्रपोजल के लेकिन इंडिया जो थे वो स्केप्टिकल थे इवेंचुअली बोट कंट्री रिलेटेड एंड इन एटी थ्री इन ढाका ज्वाइन दी अदर फाइव नेशन इन साइनिंग दी डिक्लेरेशन इवेंचुअली दोनों कंट्री जो रिलेटेड नाइनटीन एटी थ्री में ढाका पे ज्वाइन किए अदर फाइव नेशन के साथ साइन किए इस डिक्लेरेशन को इकोनॉमिक सिग्निफिकेन्स क्या सार्क्राइज थ्री परसेंट ऑफ दर्ल्ड एरिया ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलशन 4.21 पॉइंट परसेंट थ्री ट्रिलियन यूएस डॉलर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉम एज ऑफ 2019। जो सार के ये कंप्राइज़ करता है 3 परसेंट वर्ल्ड के एरिया का लेकिन पॉपुलेशन 21 परसेंट आप सोच सकते होंगे और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो 3.67 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है 2019 में ये सार कंट्रीज का उन्होंने लॉन्च किया है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को भी 2006 में मेजर अकम्प्लिशमेंट शार्क का क्या है तो फोरम फॉर डिस्कशन ये एक फोरम है डिस्कशन के लिए इट हैज प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मेंबर्स कंट्री टू मीट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट इशू समटाइम दैट मे हैव बीन चैलेंजिंग ट्रू बायलेटरल डिस्कशन इसने प्रोवाइड किया एक प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंटेटिव के लिए मेंबर्स कंट्री का वो मीट करे डिस्कस करें इंपॉर्टेंट इश्यू को जो कि चैलेंजिंग था बायलेटरल डिस्कशन पे डिप्लोमेटिक टूल भी है ये इंडिया और पाकिस्तान जैसे एक्जाम्पल के तौर पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं पब्लिकली जस्टिफाई करने को मीटिंग को टेंशन होने के कारण दोनों के बीच में पार्टिकुलरली काफी हाई है इस कारण लेकिन दोनों कंट्रीज जो वो एक साथ आते हैं बैनर में सार्क के क्राइसिस मैनेजमेंट में भी ये मदद करता है ये जो ब्लॉक है उसने साइन किया एक एग्रीमेंट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज को लेकर फूड सिक्योरिटी को लेकर और कॉम्बेट करने के लिए कोविड नाइन्टीन क्राइसिस को भी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक अनदर एवेन्यू है कॉपरेशन को, को लेकर जिसको लॉन्च किया गया था साउथ एशिया सैटेलाइट के तौर पर इंडिया के द्वारा लिमिटेशन क्या है सार्क का तो यह क्या है काफी स्मॉल स्केल है सिर्फ लिमिटेड कंट्री ही मेंबर है डिस्पाइट इट लॉफ्टली एम्बिशन सार्क बिकम ए रीजनल एसोसिएशन इन दी मोल्ड ऑफ यूरोपियन यूनियन और दी अफ्रीकन यूनियन इसके लॉफली एम्बिशन के कारण सार्क जो है वो एक रीजनल एसोसिएशन नहीं बन पाया जैसे यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन है इंटरनल डिवीजन क्या है यहाँ पे सब कंट्री एक दूसरे के इंटरनली डिवाइडेड है स्पेशली दो कंट्री इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर स्टेट जो वो प्लेग्ड है इंटरनल डिवीजन के कारण और सबसे ज्यादा नोटेबली कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ट्रेड डिस्प्यूट भी है जो हैम्पर कर रहा है इसके एबिलिटी को फॉर्म करने में एक कम्प्रीहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पे या मीनिंगफुली कोबोरेट करने में वैसे एरियाज पे जैसे कि सिक्योरिटी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया पे ट्रेड डिस्प्यूट के कारण टेररिज्म भी एक इश्यू है तो लास्ट सार्क समिट था जो कि होना था पाकिस्तान में इसको कैंसिल कर दिया गया था सेवरल टाइम बहुत सारे नेशन के द्वारा क्योंकि वो सब जो थे समिट अपने आपको पुल कर लिए थे फियर को लेकर रीजनल इनसिक्योरिटी के कारण वाई मस्ट इंडिया रिज ऑन सार्क क्यों इंडिया का हो है कि फिर से सोचे सार्क को लेकर टेक्सटेंडेड डिप्लोमेसी इंडिया जो है वो कंटिन्यू अटेंड कर संघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग को इसके पाकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ तो जब वो एक मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं तो फिर दूसरे में भी हम कर सकते हैं पार्टिसिपेशन पैंड मिटिगेशन को ध्यान में रखना होगा इस कारण भी रिवाइज करना सार को क्रिशियल है ताकि काउंटर किया जा सके जो कॉमन चैलेंज है पैंडेमिक के कारण इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए भी ये जरूरी है जो ओवरऑल टीजीपी है वो स्लो डाउन हुआ है ग्लोबल जॉब कम हुआ है रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज किया है माइग्रेंट लेबर एक्सपर्टाइज का साउथ एशियन कंट्री पर तो उस पर फोकस करने की आवश्यकता है करने के लिए चाइना को काफी जरूरी है, दिल करने के लिए चाइना को एक यूनिफाइड साउथ एशियन प्लेटफॉर्म जो है वो काफी क्रूशियल हो जाता है इंडिया के लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गगनयान एंड अदर न्यू मिशन इन 2022। तो जो गगनयान यान अदर न्यू मिशन है 2022 का, अब इसके बारे में जानेंगे 2021 में म्यूट होने के बाद इट लॉन्च को लेने लॉन्च को करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है वो गियर अप तैयारी कर ली है कि वो नंबर ऑफ मिशन करेंगे 2022 में जिसमें कि लॉन्च किया जाएगा पहला अनमेन मिशन गगनयान को भी गगनयान मिशन के बारे में हम जान ले गगनयान यूज क्रूड और बिटल स्पेस क्राफ्ट इंटेंडेड टू बी दमेटिव स्पेस क्राफ्ट ऑफ द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो गगनयान जो है वो एक क्रूड और बिटल स्पेस क्राफ्ट है जिसका इंटेंशन है कि वो एक फॉर्मेटिव स्पेसक्राफ्ट हो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का जो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया था 2007 में इसरो के द्वारा ताकि डेवलप किया जा सके टेक्नोलॉजी को जो कि आवश्यक है लॉन्च करने के लिए क्रूड और विटल स्पेस को लो अर्थ ऑर्बिट में द फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट नेम गगन 1 वन इज शेड्यूल टू लॉन्च नो अर्लियर देन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और जीएसएलवी रॉकेट अब जो पहला अनकलूड फ्लाइट है जिसका नाम है गगन वन वन इसको शेड्यूल किया गया कि लॉन्च किया जाएगा जून 2022 के अप्रोक्स में जीएसएलवी मार्क थ्री रॉकेट की मदद से इसरो हैज बीन वर्किंग ऑन रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड इट परफॉर्म ए क्र्यू मॉड्यूल एटमोस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट एंड पैड अबाउट टेस्ट होल्डिंग मिशन इसरो जो है वो काम कर रहा है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसने परफॉर्म किया है एक क्रू मॉड्यूल एटमोस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट को और पैड अबाउट टेस्ट को इस मिशन के लिए इफ कम्पलीटेड इन मीन टाइम इंडिया विल बिकम द फोर्थ नेशन टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑफर रशिया यूएस एंड चाइना इसको अगर कंप्लीट कर लिया जाएगा मिन टाइम पे तो इंडिया चौथा नेशन बन जाएगा जिसने कंडक्ट किया होगा इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को रशिया यूएस चाइना के बाद डिटेल क्या इस प्रोजेक्ट का द स्पेस क्राफ्ट इज बींग डिजाइन टू कैरी थ्री पीपल एंड ए प्लान अपग्रेडेड वर्जन विल बी इक्विप्ड विदेंडेव एंड डॉकिंग कैपेबिलिटी ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसको डिजाइन किया गया अभी कैरी करने के लिए थ्री पीपल को और जो प्लान अपग्रेडेड वर्जन होगा वो इक्विप होगा रेंडेवाइज और डॉकिंग कैपेबिलिटी के साथ भी इन इस मेडन क्रूड मिशन दिस कैप्सूल विल ऑर्बिट डी अर्थ एट फोर हंड्रेड एल्टीट्यूड फॉर अपू सेवन डेज विथ ए टू और थ्री पर्सन क्रू ऑन बोर्ड और इसके मेडन क्रूड मिशन पे जो कैप्सूल है ऑर्बिट करेगा अल्प को फोर हंड्रेड किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे सेवन डेज तक के लिए अपटू और दो से तीन पर्सेंट का क्रू होगा बोर्ड पे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एच एल मेन्युफेक्चर क्रू मॉड्यूल है अनक्रूड एक्सपेरमेंटल फ्लाइट इन टू थाउजेंड फोर्टीन और जो हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड एच एल का मैन्युफेक्चर क्रू मॉड्यूल था इसका पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंट फ्लाइट जो था टू थाउजेंड फोर्टी में ही किया था डीआरडीओ विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्रिटिकल ह्यूमन सेंटरिक सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लाइक स्पेस ग्रेट फूड क्रू हेल्थ केयर रेडिएशन मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन पैराशूट फॉर द सेफ रिकवरी ऑफ द क्रू मॉड्यूल एंड फायर सपरेशन सिस्टम डीआरडीओ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट को क्रिटिकल ह्यूमन सेंटरिक सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी के लिए जैसे कि स्पेस ग्रेट फूड हो गया क्रू हेल्थ केयर रेडिएशन मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन हो गया पैराशूट हो गया सेफ रिकवरी के लिए क्र्यू केय मॉड्यूल का और फायर सपरेशन सिस्टम को भी डीआरडीओ प्रोवाइड कर रहे हैं जो अदर मिशन है इस साल का तारक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूएस फोर और यूएस सिक्स मिशन है फ्लाइट फॉर क्रू स्केप सिस्टम जो गगनयान का ये एक मिशन है चंद्रयान थ्री है अडिट एलवन है एक्सपोज एक्सपोर्ट है और जो न्यू प्रोजेक्ट है तो वेनेस मिशन नया प्रोजेक्ट है जो कि एक ट्विन एरोनोमी सेटेलाइट मिशन होगा यह भी एक नया प्रोजेक्ट है 2022 के लिए इंडिया का कृष्णा एंड इसरो सीएनई सेंट्रल नेशन डिटेरिस मिशन जो तीसरा और जो कि एक इसरो सीएनईएस सेंट्रल नेशन स्पेरिस मिशन होगा भी एक नया प्रोजेक्ट है जिस इसरो काम कर रहा है इंडिया काम कर रहा है आई मीन ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिस आर आरो सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हियर ऑल्सो यून stay connected with us and give us your valuable feedback thank you and have a nice day